मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोलहान में 2 दिनों में 3 बड़े नेताओं के देहांत होने से पूरा कोलहान मरमाहत है। वहीं राजनीतिक पार्टियों में शोक की लहर दौड़ रही है। सबसे पहले बुधवार को झारखंड आंदोलनकारी के सक्रिय सदस्य रहे चंद्रमोहन नाग उर्फ बाबू नाग की मौत जमशेदपुर के ब्रह्मानंद अस्पताल में हो गई। वहीं गुरुवार को 2 विभिन्न राजनीतिक दल के नेता की भी मौत हो गई, जिसमें भाजपा नेता लक्ष्मण गिलुवा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सनातन मांझी की मौत हो गई है। इन तीनों की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई है, जिससे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में शोक की लहर दौड़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड आंदोलनकारी की सक्रिय सदस्य चंद्रमोहन नाग उर्फ बाबू नाग, जो कि 59 वर्ष के थे। वर्तमान में ये बारीडीह के विजय गार्डन में रहते थे। पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें जमशेदपुर के ब्रह्मानंद हृदयालय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के क्रम में बीती देर रात उनकी मौत हो गई। बाबू नाग का जन्म 1 मई 1962 को हुआ था और उनका जन्म जमशेदपुर में ही हुआ था। वह अपने छात्र जीवन में ही झारखंड में अलग अलग राज्य आंदोलन में जुड़े रहे और इस आंदोलन में सक्रिय सदस्य रहे। वे कर्मकांड के खिलाफ थे, आदिवासियों को शोषण मुक्त कराने के लिए कई आंदोलन से भी जुड़े रहे और इनकी मौत से झारखंड मुक्ति मोर्चा में शोक की लहर दौड़ गई है। इधर भाजपा के जुझारू नेता लक्ष्मण गिलुवा की मौत भी टाटा मोटर्स अस्पताल में कोरोना के वजह से ही हो गई है। लक्ष्मण गिलुवा कुछ दिनों से टाटा मोटर्स अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने से उन्हें पिछले दिनों वेंटिलेटर पर रखा गया था, जिनके गुरुवार के अहले सुबह उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली। वे पश्चिम सिंहभूम जिले में भाजपा के सक्रिय नेता रहे। उन्होंने वहां से सांसद और विधायक का चुनाव भी जीतकर क्षेत्र के विकास के लिए कई कार्य किया था, साथ ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था। उनके आकस्मिक मौत से भाजपा को काफी क्षति हुई है और पूरा भाजपा शोकाकुल हो गया है। इधर गुरुवार को एक और नेता सनातन मांझी की भी कोरोना के कारण ही मृत्यु हो गई। वे वर्तमान में जेएमएम के केंद्रीय सदस्य थे। इन्हें पिछले दिनों सबसे पहले जमशेदपुर के आदित्यपुर स्थित मेडिट्रेना अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उनकी स्थिति बिगड़ते देख परिजनों ने उन्हें कोलकाता के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार को उनकी मौत हो गई। सनातन मांझी 71 वर्ष के थे और उनका जन्म 1946 में हुआ था और वे वर्तमान में अपने परिवार के साथ पोटका के रसूनचोपा में निवास कर रहे थे। वे करंडी स्थित LBSM कॉलेज के संस्थापक भी रहे हैं और उनके मृदुभाषी एवं सादगी जीवन के कारण JVM और कांग्रेस के बीच रहते रहे हैं और कुछ दिनों तक वहां भी उन्होंने अपना योगदान दिया है। वे 1969 में पोटका में निर्दलीय विधायक के रूप में चुने गए और क्षेत्र के विकास में उन्होंने काफी योगदान दिया। उनके इस आकस्मिक निधन से JMM सहित पोटका वासी महामर्त है। 24 घंटे में कोरोना से 3 प्रतिष्ठित नेताओं की कोरोना से मौत हो जाना कोल्हान सहित पूरे झारखंड के लिए गंभीर मामला है। कोरोना का यह भयावह रूप यह दर्शा रहा है कि लोग अभी सचेत हो जाएं, अन्यथा आने वाले समय में इससे भी ज्यादा भयावह रूप में तब्दील हो सकता है। के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष तथा पूर्व सांसद आदरणीय लक्ष्मण गिलुवा जी का अभी बीते रात सवेरे 2:50 में स्वर्गवास हो गया। वो कई दिनों से COVID-19 पॉजिटिव के कारण टाटा मोटर अस्पताल में इलाज रत थे। हम लोग सब मर्माहत हैं। लक्ष्मण गिलुवा जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। लंबे समय तक पश्चिम सिंहभूम जिले के संगठन को सुदृढ़ करने में उनकी महती भूमिका रही है। विधायक रहे, सांसद रहे, प्रदेश के अध्यक्ष रहे और भी कई प्रकार के संगठन की जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया। वो सरल सहज स्वभाव के थे, हंसमुख स्वभाव के थे, निश्चल व्यक्ति थे। उनके निधन से भारतीय जनता पार्टी को अपरनीय क्षति हुआ है। विशेषकर कोल्हान के क्षेत्र में एक कद्दावर नेता का असामयिक चला जाना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कोल्हान के लिए ये अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना असंभव होगा। हम दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे और इस शोक की घड़ी में हम उनके परिजनों के प्रति अपनी
गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।